आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के रंग कृति ने 3 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ आगाज। भोपाल आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर जहां देश तिरंगामय हो रहा है, इसी कड़ी में भोपाल रंग कृति द्वारा 3 दिवसीय झंडामय माहौल के साथ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा अनुदान योजना अंतर्गत अलग अलग क्षेत्र में समाज सेवी प्रतिभाओं को सम्मान किया और लोक संस्कृति आधारित नाट प्रस्तुति की गई। हम आपको बता दें, राजधानी भोपाल में विगत 16 वर्षों से आयोजित कार्यक्रम की कड़ी में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजक संस्थापक रवि चौधरी द्वारा मंत गुरु संजय जैन लोढ़ा की अध्यक्षता में विशेष अतिथि वरिष्ठ पत्रकार शैलिन पारेषर द्वारा सर्वप्रथम अलग अलग समाज सेवी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कमलेश सेन को महात्मा गांधी अवार्ड से सम्मानित किया। तो सामाजिक कार्य के बाद नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय कार्य करने भोपाल पार्षद विमलेश ठाकुर को सम्मानित किया। इसी कड़ी में रंगमंच फिल्मी कलाकारों को सम्मान दिया गया। सम्मान इस दौरान मंचासीन मंत गुरु संजय लोढ़ा जैन ने अपने विचार साझा किए। लेकिन जब कोई एक अच्छी सभा होती है और तो बात जहाँ पर लोगों की रुचि होती है वहाँ पर लोग कम होते हैं। जैसे आज कितने मार्ग आते हैं, अभी आपने हमारे साथ के सभी सम्मानित लोगों को सुना। आज के ज़माने में ईमानदारी बोलना भी ऐसा लगता है कि डर लगता है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि रवि चौधरी भी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति हैं जो एकला चलो वाली नीति से पिछले 15 सालों से संस्था को चला रहा है। चीज़ है ना कि आप जैसे हो वैसे ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तो संत के साथ तो संत ही जुड़ते हैं। तो जब इतने अच्छे लोगों के साथ जुड़ता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ईमानदारी है, आज भी है, लोगों के मन में भी है। जो ऐसे साथ में लोग हैं, चाहे वो पारेषर जी हों, चाहे कमलेश हों, चाहे चौधरी जी हों, ये सब लोग चाहें तो शायद करोड़ों रुपये कमा कर चल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी उसी गति से चल रहे हैं क्योंकि कहीं मन में अपने लिए सम्मान है, कहीं अपने देश के प्रति सम्मान है, अपनी भावनाओं के प्रति सम्मान है। कार्यक्रम के विशेष अतिथि शैलिन पारेषर ने रंगकृति परिवार को शुभकामना के साथ 20 वर्ष की पत्रकारिता का अनुभव साझा किया। वो मैं एक स्वच्छ पत्रकारिता की ओर आगे बढ़ना चाहता हूँ, जिससे भी बढ़ूंगा, आप लोगों का सपोर्ट मिले। बस आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि सहयोग करें उस पत्रकार को, यदि उसके ऊपर हमला होता और आपकी लड़ाई लड़ता और आपके हक की बात करता तो उसका सपोर्ट करें। अपना अनुभव छोटा सा है, ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है, 20 साल की पत्रकारिता है और 20 साल ये अब चूंकि इनका परिचय पूरा नहीं हो पाया और चूंकि इन्होंने भी मना किया इसलिए मैं भी परिचय पूरा नहीं देना चाहता, लेकिन ये जो शख्सियत बैठे हुए हैं काफ़ी प्रदेश में अहमियत है और कहना शायद गलत होगा, चाहे मंत्री हो, CM हो या PM हो, वहाँ से भी आवेदन आते हैं तो वो करते अपने दिल की हैं और ऐसे ही ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ना मतलब इन जैसे लोगों के लिए ना शोहरत की ज़रूरत होती है, ना ही इन लोगों को ज़्यादा मुकाम, एक आम जिंदगी जीने वाले। और मैं तो कहता हूँ कितना भी बड़ा मुकाम मिल जाए, विमलेश भाई ने जैसे बताया कि स्कूल चला रहे हैं, नॉर्मल एक अपनी अपनी शुरुआत की अपने जीवन की और आज मतलब एक मुकाम भी हासिल किया, पार्षद भी बने, तो मेरे जिद हो कुछ भी कर किया जा सकता हो। और ऐसे ही मौका रवि भाई ने जब हम सब लोगों को दिया है तो हम लोग अपनी आवाज़ पीछे नहीं हटाएंगे और निश्चित यही बोलेंगे कि सीधे तौर पे जिद जरूर पकड़ो, कोई भी मुकाम बड़ा नहीं होता। कोविड काल में रेलवे यात्रियों और मासिक पास धारकों की समस्या को देश व्यापी आंदोलन बनाने वाले सम्मानित कमलेश सेन ने अपना अनुभव साझा किया। कोविड के दौरान जब ट्रेनें बंद हो गई थी तो मैं काफी समय तक विदिशा से भोपाल अपडाउन करता था, तो एक मंथली पास बनता है जो बहुत कम पैसों में यात्रा करने की एक सुविधा होती है, रेलवे देती थी, वो रेलवे ने बंद कर दी थी, लाइट में ला के हमको खड़ा कर दिया। तो दिल्ली से भी फोन आने लग गए, सांसदों को भी बुलावे आ गए, मिनिस्टरों के भी आए, भाई क्या प्रॉब्लम है, इस प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं। हमने कहा वो मासिक पास चाहिए हमको, फिर सिंधिया जी के यहाँ से मुझे बुलाया गया और मैं वहाँ गया, उन्होंने लेकिन वो पूरे प्रदेश और प्रदेश देश में होंगे, कई राज्यों के लोग उससे जुड़ गए, हमारे संगठन से जुड़े, 55,000 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं।
और स्थिति ऐसी बनी कि सबकी चिट्ठी आने लगी, हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। तो हमने एक अभियान चलाया कि सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे, और मुख्यमंत्रियों के साथ हमने वहाँ के राज्यपालों को भी चिट्ठी लिखी, और समय का प्रभाव देखो कि सब लोगों के जवाब भी आए। जब वो जवाब रेल मंत्रालय गए तो रेल मंत्री जी बाय नेम हमको जानने लग गए, हमने उसको प्रारंभ कर दिए थे। उससे देश में विरोध हुआ और उन्होंने अभी सारे देश में 29 जून से प्रारंभ कर दिए। ये एक छोटी सी शुरुआत थी, उसमें जो बच्चे हैं या छोटे बड़े भाई हैं, युवा बहने हैं या बच्चे या आगे जो लोग काम करना चाहते हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ, एक संदेश भी है। कभी कभी मैं भी ये सोचता था कि अकेला क्या करूँगा, लेकिन जब देश से हमें ऐसा महसूस हुआ कि देश की ज़रूरत है और हम कुछ कर सकते हैं, तो आप कुछ करने का जज्बा रखो। मैंने इसके परिणाम 2.5 साल में देखे हैं कि आज पूरे देश से कई अवार्डों से मुझे सम्मानित किया गया, पूरे देश में बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ। तो आप अकेले ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। केवल भावना ये होना चाहिए कि हमारे अंदर महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए, ये भावना नहीं हो कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जब हमारे मन में महत्वाकांक्षा पैदा हो जाती है तो शायद हम फेल हो जाते हैं। महत्वाकांक्षा के बिना अगर हम कोई काम करते हैं निश्चित तौर पर हम सफल होते हैं, और यही मैं चाहता हूँ कि लोग दूसरों के लिए काम करें। कमलेश सेन रेलवे सलाहकार समिति सदस्य सम्मान समारोह के उपरांत लोक नृत्य एवं सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम एवं फिल्मी गानों पर डांस प्रस्तुति RG ग्रुप द्वारा की गई। IN7 न्यूज के लिए भोपाल से शैलेन पाराशर, MP ब्यूरो हेड की रिपोर्ट।